नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी जिला यमुनानगर ने देवी भवन बाजार वासियों और दुकानदारों के साथ मिलकर देवी भवन बाजार जगाधरी की बहुत ज्यादा टूटी हुई सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सड़क को जाम किया गया। SHO सिटी थाना जगाधरी ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन दिया और जल्दी सड़क ठीक करवाने का आश्वासन दिया। यमुनानगर के मेयर मदन चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसकी अध्यक्षता अनिल प्रजापति पूर्व जिला मीडिया प्रभारी ने की और इस धरना प्रदर्शन में सरदार प्रीतम सिंह अध्यक्ष, नॉर्थ जोन किसान सेल और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नरेश लाल कंबोज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। प्रीतम सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए बताया कि खट्टर सरकार सिर्फ कागजों में विकास की बात करती है, मीडिया में विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जो जनहित के कार्य रुके पड़े हैं, सबसे ज्यादा समस्या सड़कों को लेकर है। जगाधरी शहर में देवी भवन बाजार ही नहीं, पूरे जगाधरी शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोग इन टूटी हुई सड़कों पर ना तो सही तरीके से अपनी मोटरसाइकिल चला सकते हैं और ना ही साइकिल चला सकते हैं। छोटा व्हीकल भी इन सड़कों पर चलने लायक नहीं है। स्कूल के बच्चे, लड़के, लड़कियां और मोटरसाइकिल सवार हर रोज यहां पर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। भारत माता की जय। प्रीतम सिंह जी, आज क्या मामला, किस मामले को लेकर जाम लगाया जा रहा है? और आज जगाधरी के अंदर जो सड़कें हैं हमारी, ये बाजार की मेन सड़क है जी, इसके अंदर बहुत खड्डे हैं। बरसात के अंदर खड्डे दिखाई नहीं देते और कहीं छोटी छोटी यहाँ पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बच्चे स्कूटरी पे जाते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, उसके कारण कहीं यहाँ पे हादसे भी हो गए हैं और सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और ये शहर का मेन बाजार है जी, और यहाँ पे आपको पता ही है जी, हमारे शिक्षा मंत्री का एरिया है, उनके बिल्कुल नज़दीक का एरिया है, लेकिन वो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारा ध्यान सरकार की तरफ जा सके। इससे पहले भी आपने सरकार को चेताया कि सड़कें खराब हैं? कई बार चेताया जी, कई बार, एक बार नहीं जी, बहुत बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे जी, कुछ ध्यान ही नहीं है जी विकास की तरफ। आज आपने यहाँ जाम लगाया, धरना दिया, क्या आपकी सड़कें ठीक हो जाएंगी? कोशिश है जी हमारी, सरकार की आंखें खुलें जी, हमारी तो कोशिश है जी, हम नहीं कोशिश नहीं उनकी आंखें खुले, हम दोबारा फिर सड़क रोकेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जी। बाकी हम जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, हम ऐसे ही अपना जोर शोर से अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर फिर भी आपकी बात को नहीं माना जाता, फिर उसके बाद जनता है, जनता इसका जवाब समय समय पर देती रही है जी। ये जो राजपाट है, किसी का अपना जद्दी नहीं है, सरकार इसको आने वाले समय में बदल भी देगी, इसकी कोई वो नहीं है जी। ये गौर नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारा केजरीवाल जी का आएगा, और आपको पता ही है दिल्ली में और पंजाब में कैसे विकास की लहर दौड़ रही है, तो हमारे यहाँ हमें ये काम कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे काम है, ये ऑटोमेटिक ही हुआ करेंगे जी, ये तो इन कामों को काम ही नहीं समझ रहे। आपका कहने का मतलब कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की है? आम आदमी की, हाँ जी सर, हम यहाँ जी बहुत लहर है जी, पूरे देश में लहर है जी। गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है, हिमाचल में और हरियाणा में हमारी सरकार। अनिल जी, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपने कितनी बार सरकार से इस मामले में आग्रह किया? इस सड़क को लेके मैंने सरकार को कई बार वीडियो बना के सरकार को डाला है, प्रशासन को डाला भी, सरकार जाग जाए, लेकिन जो अधिकारी है वो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है, तो इस तरफ सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, कोई एक्टिवा से गिर जा, कोई साइकिल से गिर जा, तो ये सरकार कर क्या रही है? अभी थोड़े दिन के अंदर ही हमारा देवी भवन बाजार है, हमारा ये देवी बाजार, इसमें मेला शुरू होने वाला है, 26 तारीख को पहला नवरात्र है, यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। जो संत लोग जो मंदिर में मत्था टेकने के लिए आएंगे, वो कोई मोटरसाइकिल से आएगा, कोई कार से आएगा, ये गिर गिर के चोटिल हो जाते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ बैठे हैं तो क्या? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।